तो ये जगह है, हम अभी जा रहे हैं कुटवाल वैली और खलतर वैली। इस रूट से आप जा सकते हैं और जहाँ से आज हम जाएंगे खलतर वैली और एंजॉय कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये रहा केकेज रोड सामने, उसके बाद ये ऊपर आने वाला रास्ता खलतर और कुटवाल वैली के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ से जब आप ऊपर आएंगे, दिस इज़ द जॉइंट, यहाँ से इस रोड पे आप कुटवाल जा सकते हैं और इस रोड से आप लोग खलतर वैली जा सकते हैं, जो हम जा रहे हैं अभी और इन्जॉय करेंगे वेदर और सीज़न जो भी है ऊपर। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हमारा समर का टारगेट होगा इस बार, और विंटर का भी ऑब्वियसली कुटवाल वैली का हम करेंगे। तो लेट्स गो यार, ये रोड है वन ऑफ द टफेस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, तो हम जा रहे हैं इस तरफ। चले चलते हैं। बंदा है, तगड़ा बंदा है, लोकल से हमारी हेल्प कर रहे हैं, वी कॉल हिम फौजी, सो इसके साथ काम शाम चल रहे हैं। यार बड़ा टफ रोड है यार। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस खलतर वैली का, और यार इट्स वन ऑफ द मेस्मराइजिंग प्लेस इन गिलगित बल्तिस्तान। थोड़ा सा रोड टफ है, बट अगर आप एडवेंचर के शौकीन बंदे हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक फॉर यू पीपल, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा यार यहाँ पे आप लोग आए। जन्नत नज़ीर वादी खलतरो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम सुबह सुबह उठे हैं और हम देखेंगे कि ये भाई यहाँ के लोकल हैं और यहाँ पे इनके हैं अपने याक। सो हम देखते हैं आगे जाके किस तरह सुबह सुबह चारा डालते हैं, क्या सीन चलते हैं, ये सारे मामला हम देखते हैं। लेट्स गो। This is the signal and एक अलग लाइफ है यहाँ की, तो सिग्नल पास किए जा रहे हैं ताकि याक सारे इधर आए। This is so cute. He's staring at me for more than 20 minutes और मुझे अच्छा लगा बड़ा। So मैं भी चाह रहा था आँख मारूँ, लेकिन क्या करें, लाइफ बहुत टफ है, यू नो, बड़ा मुशक्कत वाला काम है। ब्लॉगिंग तो है ही है टफ, और व्लॉगिंग से भी टफ ये वाला काम है, आप देख सकते हैं। सी तो पहले चारा इकट्ठा करो, फिर डिसिप्लिन वाइज सबको दे दो, मतलब इट्स नाइस। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ना चारा सीजन स्टार्ट हुआ है, सो लेट्स गो। यार इट्स टफ, इट्स टफ भाई, क्या ख्याल है, आप क्या कहेंगे इस बारे में, तो काम कैसा है? काम तो बहुत सख्त है, और बस इसको एडजस्ट होना है इसके ऊपर, और सख्त है एडजस्ट होना। तो क्या है सही, सुबह शाम इनको बस घास डालते रहो, ख्याल रखो घास डालते रहो, और तो हर किसी की बस की बात नहीं ये काम। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आसिफ भाई हमें बताएं कि अभी तो हमने चारा शारा डाल लिया, अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप इधर से हम घर जाएंगे, वहाँ नाश्ता करेंगे। ओके। और वहाँ से हम जाएंगे खन मेडोस। खन मेडोस। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं पहाड़ पे, आपको हाइट का मसला नहीं होता? का मसला नहीं है यार, जिंदगी की दूसरी बीवी। दूसरी बीवी, तो पहली वाली का क्या हुआ? पहली वाली अभी किधर है वो पता ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई। पैदा ही नहीं हुई। सही।